न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिला अस्पताल में इलाज कराने आई महिला के गले का चैन खींचते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला, पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। टप्पेबाज ने उड़ाए यूनियन बैंक से 17,000 रुपए, एसएसपी सुनील गुप्ता ने कहा जल्द इस तरह के लोग होंगे जेल के अंदर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोके जाने के विरोध में सड़क पर उतरे सपाई, पुलिस से हुई नोकझोंक, सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार और रिहा। हरियाणा से बिहार जा रही लगभग 10 लाख रुपए की अवैध शराब को सजनवा पुलिस ने किया बरामद, 2 शराब तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। एएसपी ने कहा आर्मी के फर्जी कागजात पर करते थे शराब की तस्करी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय किसान सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, 23 को अमित शाह तो 24 को पीएम मोदी करेंगे शिरकत, करेंगे विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर पुलिस विभाग भी जुटा तैयारी में, एसएसपी ने कहा पीएम के आगमन पर सुरक्षा के रहेंगे व्यापक इंतजाम। नगर विधायक ने अपने घर से शुरू किया मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ, कार्यकर्ता और अपने आसपास के क्षेत्रों के घरों में जाकर पार्टी की रीति नीति बताकर जनता से जोड़ने का है लक्ष्य। अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में महुआ लहन बरामद, तोड़ी गई अवैध भट्टियां, एसपी साउथ ने कहा क्षेत्र में नहीं बनने दी जाएगी कच्ची शराब। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष ने एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा पढ़ने वाले सभी 18 वर्ष की उम्र में वोट देने वाले मतदाता अपना पहला वोट दें मोदी को। रेलवे अधिकारी क्लब में आयोजित हुआ एक स्वास्थ्य परिचर्चा, मुख्य अतिथि ने कहा आधुनिक परिवेश में हम सभी जितना प्रकृति अनुरूप रहेंगे उतना ही स्वस्थ और लंबी आयु जी सकते हैं हम। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का मुख्य अतिथि ने किया शुभारंभ, ताइक्वांडो के खिलाड़ी ने प्रस्तुत किया हुनर का प्रदर्शन। और 14 फरवरी को श्री योग वेदांत सेवा समिति मनाएगा मातृ पितृ दिवस, बच्चों में भरेगा संस्कार।